नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नौचंदी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि इलाहाबाद के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन की जानकारी की ये वीडियो है वो है नौचंदी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नौचंदी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 14511। ये जो ट्रेन है ICF कोचेस वाली ट्रेन है। 17 घंटे 30 मिनट में ये ट्रेन जो है प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक की दूरी जो है कवर करती है। डेली ट्रेन है, इसके तकरीबन 30 स्टेशन से 771 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 44 किलोमीटर पर आवर। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर बात करें नौचंदी एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में, तो अभी आपके सामने इसका रूट मैप है। ये जो ट्रेन है प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है, बाद में ये जो ट्रेन है उचाहार रायबरेली होते हुए ये लखनऊ चारबाग में पहुंचती है, फिर मुरादाबाद मेरठ होते हुए ये सहारनपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें नौचंदी एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो इसमें वैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। बट जो फर्स्ट एसी और थर्ड एसी के और कुछ स्लीपर क्लास के कोच हैं वो मेरठ सिटी में जो है अलग कर दिए जाते हैं। तो अगर प्रयागराज से सहारनपुर तक अब बात करें, तो इसमें सिर्फ सेकंड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, प्रयागराज संगम से सहारनपुर तक का नौचंदी एक्सप्रेस का जो सेकंड एसी का टोटल किराया वो है 1575 रुपये। 1450 रुपये तो जिसमें बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज जो है वो 50 रुपये है। GST चार्ज जो है 75 रुपये है। बाकी नौचंदी एक्सप्रेस में प्रयागराज से सहारनपुर तक का स्लीपर क्लास का टोटल किराया है 405 रुपये, जिसमें 385 रुपये तो फेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल चार्जेस जो है वो है 405 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जो कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों का जो प्रयागराज संगम से सहारनपुर तक का जो टोटल किराया वो है 210 रुपये के करीब। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे नौचंदी एक्सप्रेस के प्रयागराज संगम से सहारनपुर जंक्शन तक चलने वाली इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। नौचंदी एक्सप्रेस जो है प्रयागराज संगम इलाहाबाद या प्रयागराज से यह ट्रेन जो है रोज जो है शाम के 5:20 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 17 घंटे 30 मिनट बाद यह ट्रेन जो है सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और इसके तकरीबन 30 स्टेशन हैं, 771 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है प्रयाग जंक्शन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:48 पर पहुंचती है और 5:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फाफामऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:55 पर पहुंचती है और 5:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 10 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रामचौरा रोड रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:15 पर पहुंचती है और 6:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। लाल गोपालगंज उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 6:23 पर पहुंचती है और 6:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 37 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 6:43 पर पहुंचती है और 6:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 52 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गढ़ी मानिकपुर उत्तर प्रदेश में शाम के 6:55 पर पहुंचती है और 6:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 64 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और गढ़ी मानिकपुर के बाद ये ट्रेन जो है परियावान कलंकर रोड रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 7:07 पर पहुंचती है और 7:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 71 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। परियावान कलंकर रोड के बाद ये ट्रेन जो है नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो उचाहर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है शाम के 7:20 पर और 7:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 82 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लक्ष्मणपुर उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 7:40 के करीब पहुँचती है और 7:40 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है।
लक्ष्मणपुर में इसका एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 99 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रायबरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 8:11 पे पहुंचती है और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 120 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बछरावां रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रात के 8:50 के करीब पहुंचती है और 8:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 150 किलोमीटर के करीब जो है प्रयागराज संगम से यहां तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ चारबाग में पहुंचती है रात के 10:05 पे और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। संधीला रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 11:04 पे पहुंचती है और 11:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 245 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और संधीला का स्टेशन कोड है SAN। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो प्रयागराज से चलकर बालामऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:24 पे पहुंचती है और 11:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 266 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बालामऊ जंक्शन का स्टेशन कोड है BLM और इसके बाद ये ट्रेन जो है हरदोई रेलवे स्टेशन पर रात के 11:53 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 300 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और हरदोई का स्टेशन कोड है HRI। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रात के 12:51 पे पहुंचती है और 12:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 362 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 1:56 पे पहुंचती है और 1:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 432 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरेली जंक्शन का स्टेशन कोड है BE और इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 2:51 पे और 2:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 496 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है RMU। इसके बाद मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 3:40 पे पहुंचती है और 3:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 522 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गंगा सतलुज एक्सप्रेस और हरिहर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद अमरोहा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:21 पे पहुंचती है और 4:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 552 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अमरोहा का स्टेशन कोड है AMRO और इसके बाद ये ट्रेन जो है गजरौला जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 4:48 पे और 4:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 576 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और गजरौला का स्टेशन कोड है GJL। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 5:10 पे पहुंचती है और 5:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है और 597 किलोमीटर के करीब जो है प्रयागराज संगम से यहां तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है GMS। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो हापुड़ जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 6:10 पे पहुंचती है और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, 627 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मेरठ सिटी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:45 पे पहुंचती है और 7:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर फर्स्ट AC, थर्ड AC और कुछ स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों के जो है कोचेज जो है अलग कर दिए जाते हैं और 655 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पे सुबह 7:55 पे पहुंचती है और 7:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 662 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MUT। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो खतौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:18 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 690 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खतौली का स्टेशन कोड है KAT और इसके बाद मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन
उत्तर प्रदेश में सुबह 8:53 पे पहुंचती है और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 712 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दियोबंद में ये ट्रेन जो है सुबह 9:13 पे पहुंचती है और 9:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, इसे देवबंद भी कहा जाता है, देवबंद। और इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो प्रयागराज संगम से चलकर अपने आखिरी स्टेशन सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:50 पे पहुंचती है और 770 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ नौचंदी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।